thank कुछ ज्यादा ही दिल से बनाया है आप लोगों ने वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ घबराना मना है और आज इनके इस जज्बे की खास वजह यह है क्योंकि आज हमारी जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं मुझे लग भी रहा था कि आज ये कुछ खास करेंगे और उन्होंने कर दिया है बुलाते हैं अपने आज की मेहमान को एक ऐसी खातून जो कि पिछले 20 साल से मॉडलिंग से लेके टेलीविजन से लेके फिल्म हर फील्ड में परफॉर्मिंग आर्ट्स की छाई हुई हैं शी द टॉप मॉडल सुपर मॉडल आज भी अपनी मर्जी के मुताबिक ही काम करती है ऐसा वो क्यों करती हैं और इतनी लो प्रोफाइल की रहती है ये भी हम उनसे पूछेंगे मगर उनको बुलाने के बाद सो इट कुमान अली कैसी जी? वैसे ये ईमान ये तो जी आप कब से हैं पता नहीं कब से हो और असल मसला क्यूं? तो ये क्यूँ हाँ मगर क्यूं? ये कब पहले का जब सैलॉन खुला था तो वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी वो सब सबको जी कहती हैं एवरी मॉडल इज कॉल्ड जी but somehow uh, i don't know putarika I mean liked the imanji sound and he started calling me jumanji and then that's how it just started as a joke and i hate this joke and i never laugh people don't call it as a joke i mean other than, yeah i have azad pardeyan a priyadarshim bazaar kitha or bhishru kitha bilkul faltu kitha jasajee or jasajee young age me you Jee course jeev a trakoo jeev a jeev और अब तो मतलब कोई दस साल से हम जी 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 जी, जी हाँ वो चार सालों से शुरू हुआ था तो हो गया जी वाला नहीं है अभी नहीं मेरा कभी भी कोई नहीं जी बिल्कुल नहीं कर रहा नहीं मेरा जी मैंने नहीं जी कह दिया मैंने हर दफा कहती हूँ नहीं जी तो ईमान कैसी हैं आप हाई है बहुत ठीक ठाक बहुत ठीक शादी शुदा ऑल ये एनॉल ऑल क्या होता है यार ऑल बहुत कुछ होता है मजा आता है शादी जितना में डरती थी considering ki i was like really scared broken homes se वैसे ही जरा hmm. जो लोग आते हैं उनको डर लगता है तो मैं तो बहुत डरती थी but it's a lot of fun actually we get to travel and you know it's like a picnic every day netflix me and uh, can i can say that yeah yeah, yeah. please 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 <laughs> netflix and chill me babar and me netflix but it's a picnic every day so that's all with the shaadi ab aapko hum thoda sa zyada dekhna shuru hue hain

सोचे बहुत ही गंदी होती है जितने लोग गंदे होते हैं उससे भी ज़्यादा गंदी सोच होती है लोगों की तो, मतलब <laughs> so, हाँ, हाँ। हाँ। हाँ, <laughs> तो तो मतलब के बाद ये फैसला किया आप कर कर रही रही हैं हैं ह्यूमन ह्यूमन से अब उसके ऊपर

हाँ मैं तो हैरान हूँ कि इसके अंदर तो लोग बुलाते हैं आप लोग बात करते हैं इंस्टा सोशल सोशल मीडिया सोशल मीडिया के बारे में सो so, आई देखो मुझे उसका नाम भी नहीं पूरा पता है दैट्स हाउ द फार अवे आई एम फ्रॉम इट सो या मगर एट द सेम टाइम सोशल मीडिया पे चले आप खुद चाहे इतनी एक्टिव नहीं होंगी

एंड स्पेशली ऑल्सो मेरे ऊपर मुझे ज्यादा अच्छा अपना आप इसलिए भी नहीं लगता बिकॉज लोग इतना कहते हैं कि मैं इतनी गुड लुकिंग हूँ तो फिर जब मैं शीशे के आगे जाती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ लै झूठ बोल रहे ने तो यू नो मैं कभी शीशा चेंज कराने का सोचा? नहीं शीशा भी चेंज कराया कैमरा ही से तो मुझे लगता है कोई नया लेना पड़ेगा बिकॉज मैं अपनी तस्वीर खींच ही नहीं पाती जहाँ से भी जहाँ भी, भी जाता है कैमरा में खुसरा खुसरा शर की अच्छी करनी होती तो तस्वीर क्या खींचूँगी और कब लगाऊंगी सो इसी वजह से भी पीपल आई थिंक शुड भी एबल टू अंडरस्टैंड एंड

ब्लैक्स आई हैव एक मैंने ब्लैक पहना था ड्रेस नहीं दो ड्रेसेस पहने थे हमारे जो एक लाइफ स्टाइल अवार्ड्स जो होते हैं हाँ. उससे मैंने दो बार पहने थे और एक तो बहुत ही ज्यादा उससे बहुत देर तक न्यूज भी आती रही थी वो एक सैटन का फुल हाई नेक पूरा ड्रेस था वो काफी uh, वायरल पता नहीं उसको वायरल हाँ. कहते थे क्या होता <coughs> था बट देर वॉज न्यूज अबाउट इट

मुझे पीटीआई की तरफ से गवर्नमेंट में पोस्ट मिल रही है पॉलिटिक्स में आऊं कि ना आऊं आज मुझे पीटीआई की तरफ से ना गवर्नमेंट में पोस्ट मिल रही है तो क्या कहते हो शो इन पॉलिटिक्स नॉट फरहान सईद को कर दीजिए ये तो कहेगा जरूर जाओ जरूर जाओ अच्छा फरहान मुझे ना पीटीआई की तरफ से ऑफर हुई है कि मैं मुझे कोई गवर्नमेंट में जॉब मिल रही है कोई पोस्ट मिल रही है तो आई गो इन टू पॉलिटिक्स और नॉट टर्म ईयर सून प्लीज जल्दी बताओ अच्छा और किसको कासम को कर देती हूँ किसको कासम को कासिम वाली मुरीद को हाँ, जी आपकी फिल्म के डायरेक्टर हाँ, जो है आप हाँ, उनको कर दें कासिम सो आई बीन ऑफर्ड अ पोस्ट इन द गवर्नमेंट बाय पीटीआई तो शुड आई गो इन टू पॉलिटिक्स और नॉट बताओ यार जल्दी से बताओ मुझे आई हैव टू गिव देम एन आंसर अभी अभी ये मैसेज अब आपने इसी तरह वॉइस नोट सूरत में इफ्फत उमर को करना है <laughs>

और उसकी तो उसकी दो महीने का ब्रेक होता है, बिल्कुल. अच्छा, या, आप अपनी लगाने में है या देखती हैं लोगों को हाँ देखती हूं। तो जो आप करती जो जितना आपने किया है इंस्टाग्राम के ऊपर हाँ, <laughs> कोई, कोई ना कोई दोस्त कह देता अच्छा बस बहुत हो गई है तो लगा दो अच्छा तो ये आपने बताया जिस तरह तो ये आपने भी कुछ किस्म की थी ये

हाँ। तो आपने लिखा ठीक है और हाँ। के नीचे आपकी मुख्तलि मुबारकबाद भी दी हाँ। सिबल ने कहा खुश रहो और नौशीन शाह मुबारकबादों वाला ये है हाँ। ये आपको कहाँ मिले बाबर बाबर मुझे कराची में मिले थे एक फ्रेंड अच्छा। और मुझे शुरू में क्यूँ क्यूँकी मुझे तो हाँ ये

કે હવે મુકુપી વાલી વાત હે મતલબ જનરલી મે એક કન્વર્સેશન કે તોર પર પૂછ રહા હું એક લાકર મેને પૂછા હે કે છો દી વાત દસનીયા મેર અચ્છા બમર મે માફી ચાહતા હું આપ જે ભી કિયા બસ ઠીક મે એસા ભી નહીં ના બિલકુલ ગંદ ગલાઝત ભી ના કોઈ સોચે બટ યર હી વોઝ जस्ट એન્ડ ઓલસો હી ટર્ન્ડ આઉટ ટુ બી ધ ઓનલી પર્સન That of late that I met, जो के जिनको जिनकी वैकेबुलरी मेरे जितनी थी जिनको मेरी कुछ अल्फाज़ हैं जो मैं ज्यादातर को ना भगाने के लिए फिर अपनी वो वाली अंग्रेजी निकालती हूँ जैसे अच्छा, बात करनी जवाब देना ये, ये जरा होते हैं कुछ वर्ड हालांकि मेरे लिए बड़ा नॉर्मल वर्ड है मैं, फिर मैं बहुत यूज करना शुरू हो गई कन टू तो वो फिर मुझे फिर लोगों से पूछना शुरू हो गई की अच्छा फिर

ये, ऐसे नीचे में जॉगर ही नजर आया शुक्र है मैंने मेरे गार्डिन सामने चाय और समोसे भी पड़े हुए हैं हम ये डबिंग करने गए हुए थे अच्छा ये आपके सामने चाय और समोसे पड़े हुए थे हाँ जी तो अच्छा अब ये आपको कभी अंदाज़ा होता है जो आप जैसी बल्कि ख़्वाीन में आप जैसे लोग जो होते हैं जो कि चाय और समोसे खा रहे होते हैं इतना आवामी सतह पर और उसके बाद वो ऐसा लग रहे होते हैं ऐसा लग रहे होते हैं आप लोगों को एहसास होता है नॉर्मल लोगों का कि जिन बेचारों को चाय और समोसा लग जाता है हाँ वो मुझे भी अब लगना शुरू हो गया शादी के बाद पता नहीं क्यों लेकिन यहाँ पे हो गई गया ये था था आप क्या कर रही थी आप ये किस एक चीज़ की ये ड्रामा कर रहे हैं हम ये उर्मा ने तस्वीर उतारी है हम लोग वेट कर रहे थे हमारा कुछ सेटअप हो रहा था डबिंग के लिए

कोई ताल्लुक नहीं है उनके एक्सप्रेशन और एक्टिंग तो से तो ये आपको पता चलता है कि एक ये नेचुरल ही है आप नेचुरल के डिफरेंस चेक करें आप लोग के अगर स्पोंटेनियस स्पोंटेनियस इनको कहा जाए और ये एक जो तस्वीर है ये आपने लगाई हुई है ये आपकी ये एक्चुअली उसी शूट की है जहाँ पे मेरा ये शूट हो रहा था ये ये जो सैलॉन है हाँ। इसी ने बनाई थी मेरा इंस्टाग्राम बनाया था तो फिर उसने ये भी लगा दी

वेरी स्वीट के बाबर को ये खुशी है की अली पैदा हुई थी हाँ मतलब नहीं होगी अच्छा ये मैं से एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा

ये ये बाबर ने दिया था मुझे ये बाबर बर्थडे बर्थ आपने कहा बirthday नहीं, नहीं के ये एक्चुअली वैलेंटाइन डे पर अच्छा ये वैलेंटाइन डे के फूल हैं या और ये लेकिन सोचे ये भी सड़ गए तो मैं मुझे याद आता है कि ओहो इसके वीडियो लगा देती हूँ मैं वो ये कोई फोर्टीन थर्टीन को आए हैं और मैंने लगाया आई थिंक ये को, इस, uh, 14, को ये जाके ओके सो द के लिए बोल देन देयर वाज महिमिर वो बहुत ही अगर आप उसकी डेप्थ में जाओ तो उस स्क्रिप्ट ने कहीं पर भी अपने कैरेक्टर से दगा नहीं किया एक जो हर कैरेक्टर का समझ आने वाला प्रोग्र, प्रोग्रेस हो रहा है उनकी ग्रोथ हो रही है बिना वजह में नहीं की अच्छा जी एनज हो गया तो फिर एनज हो गया सीन आ गया किसी के एन में तो फिर वो उसी के ऊपर स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं कि कैरेक्टर ये कर सकता है या नहीं कर सकता मेक सेंस और नॉट सो खुदा के लिए वॉज माई फेवरेट दैन बोल आई वॉज ऑफर या बट उसमें मेरे कुछ अपने अख्तलाफ आते हैं बहुत शदीद अख्तिलाफ आते हैं did, uh, was, मुझे लगता था कि वो जो ट्रांजेक्शन फ्राम

नहीं नहीं मगर मुझे बताएं कि आपने कहा कि आप ये दोस्ती के तहत की आपने फिल्म तो मैं बहुत सी ऐसी फिल्मों को जानता हूँ जिसको आपने ना भी की <laughs> अब या तो वो दोस्त नहीं थे या फिर उनकी फिल्मों की कहानियां अच्छी नहीं लगी आपको नहीं या हो सकता है की उनमें से ठीक है अगर डायरेक्टर दोस्त है तो जिन्होंने लिखी हो वो बिल्कुल दोस्त ना हो ये भी क्लासिफिकेशन है आपके पास नहीं कोई ना, कोई भी लग सकता है ना। आपको कोई लगने वाला हो बीच में कि, कितनी फिल्में आपने अभी तक ऐसी हैं जो कि बनी और आपने उनको इनकार किया था अल्लाह बहुत सारी है जैसा कि मुझे नाम जरा आपको याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं थोड़ी अभी पंजाब नहीं जाऊंगी पंजाब नहीं जाऊंगी जवानी फिर नहीं आनी वन जवानी फिर नहीं आनी वन और अभी है मुझे याद नाम आलुम अफरा नाम अफराद नामालूम अफराद

Uh, जो कि यू नो इट जस्ट वो राइटर ने अपने कैरेक्टर से दगा किया है तो, जो जो हीरोइन का कैरेक्टर था उससे दगा किया है तो, वरना उसकी बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि वो जो राइटर है उनको पंजाबी पंजाब का ही पता है पंजाबी पता है वो, वो ही लिखो ना भाई जान कराची की लड़की लंदन से आईवी के बारे में आप क्यों लिख रहे हैं जो पता है वो लिखो आप खलील रहमान कमर साहब उसके राइटर थे बिकॉज दैट हीस रियली वेल ही रियली वेल अबाउट पंजाब एंड पंजाबी कैरेक्टर्स बट देट कैरेक्टर व

अच्छा और मेरी शादी के दिन आ रहे थे करीब सो आई वाज बिजी विद दैट आल्सो एंड देन आई जस्ट तो बेसिकली अगर ईमान अली से काम करवाना हो तो, ना तो ना आप उनको स्क्रिप्ट ना दें और बस आगे क्या करनी 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 और उसी में हो जाए फिल्म हां वो तो करते हैं तो 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 ऐसा ही आई मीन देयर वर सम सीन्स वेयर आई हैड अ बिट ऑफ इख्तलाफ मुझे इतना मजा आ रहा है वर्ड यूज करने का इख्तलाफ पता नहीं क्यों बट सो बट मगर oh मैंने कर नो ली ना हां कर लिया काम कर लिया ना तो बेसिक आई डिड द बेस्ट आई कुड बट यस आई हैव माय प्रॉब्लम्स विद सर्टेन सीन्स तो ये स्क्रिप्ट पे जब आपको इतना एक डिटेल्ड आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हैव यू एवर थॉट ऑफ राइटिंग योरसेल्फ आई हैव रिटन यू हैव रिटन व्हाट आई हैव रिटन थ्री स्क्रिप्ट्स आपने स्क्रिप्ट ही लिख दिए तीन हां ये क्या आप लिख तो जिंदगी में किताब ही लिखनी है एंड आई एम इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ये तीन स्क्रिप्ट कहां है और क्या है ये पता नहीं कोई देता ही नहीं है नहीं मतलब है क्या ये ये है थ्री स्क्रिप्ट्स है नहीं मगर किस जॉनरा के हैं एक uh, एक एक्शन like, uh, अच्छा? uh, है एक्शन गोस इनटू लाइक But this character goes through a an illness, so it's about that. But hmm. it's, a, it's a different character altogether. But since I have an, some experience with illness and what she goes through and how people around her treat her, and she's also from the, she's a singer, but known, and how, you know, what it does to her to get diagnosed with an incurable disorder type of thing. So, this is 5 साल से ये जो प्रोड्यूसर हज़रात हैं वो प्लीज इस बात का नोटिस लें कि तीन स्क्रिप्ट मार्केट में फिर रहे हैं और आप लोग जो हैं पता ही नहीं आप लोगों को तो ah. आपको स्क्रिप्ट लिखने का भी यानी कि शौक हो चुका हुआ है या बिकॉज़ आईव ऑलवेज बीन अ रीडर सो एनीवन हु इज़ अ रीडर कैन यू नो कोशिश ज़रूर करते हैं टू राइट ठीक है ये भी एक बिल्कुल लॉजिकल बात है वो आप अस्सलाम वालेकुम तो ऐसे ही आ जाती है ah. वॉशरूम का पता बता सकती हैं। ये सवाल मेरे लिए होता है आपका इन महाशय को तो अपने कान तले से छोड़ने की फुर्सत ही नहीं है आपको मैं बता चुका हूँ आप हमेशा गलत आती हैं। एक बात कहूँ जी आज मेरी पसंद की लैडी को बुलाया तूने अपने प्रोग्राम में वाँ 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 वा। आप मुझे बड़ी प्यारी लगती है अली मैंने आपकी पिक्चरें भी देखी हैं। संगीता मैडम की सबसे पहली पिक्चर वैश हसीना के बाद जो टिकट खरीद के मैंने आपकी आखिरी पिक्चर देखी वो थी माह मीर क्या गज़ब की पिक्चर थी वाह 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 ना सकी मैं वो सनीमा हॉल में ये जोरों के खराटे थे कि हाँ, हाँ। मगर इनके रकूस क्या बताऊं आ हा हा जरा हमें भी टिप दीजिए देखिए हमने वो वाला तो सीख लिया है जो छिपकल की तरह नीचे गिर के जैसे ये। और ये बस फिर आपके लिए इतना ही काफी है इसके अलावा कोई जिसमें कोई अदा हो लोच हो वो बता दीजिए टीप तो ऐसी रक्स में सुरूर पैदा हो जाए अच्छा ये है कि एक दो कहूंगी बड़ी जरूरी। तू क्या टुकुर टुकुर देखे चला जाओ अच्छा इसे कुछ समझ ना आवे मेरी बात खा हाँ छोड़ो इसको दो बातें कहूंगी मैं एक तो मेरा चक्कर डांस में ऐसा मशहूर था अरे पूरी दिल्ली में चक्कर मशहूर था देखो दिखाऊंगा नहीं, नहीं 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 ए... ऐसा <laughs> चक्कर मशहूर था वेरी गुड ऐसा ईमान से आहा क्या बताऊं मगर दूसरी बात सुन के आप दिल थाम लेंगी अच्छा दूसरी बात यह है कि ये जो आजकल डी राम हो और फिल्मों में हीरोइनें आ रही हैं नई नई इन कुत्तामाओं की उर्दू तो बहुत ही गई गुजरी है जाने क्या कह आप अब उस दिन एक मोहतरमा कहें थी खालू जान को हार्ट अटैक आ रहा है आप पूछो इनसे कहाँ से आ रहा है हार्ट अटैक रोड से आ रहा है या सिरे घाट से आ रहा है कहाँ से आ रहा है ये हैं मगर आप बहुत प्यारी हैं मैंने भी ये सोचा था कि मैं अपने ऐसी दुल्हन लाऊंगी जिसकी उर्दू बड़ी नजारीख होगी आपकी तरह तो कब तशरीफ ला रही हैं आप अजीज आबाद नज्द चौक वैसे मुझे और मेरे लौंडे को हाई टी पसंद है और बूफे पसंद है आगे आपकी मर्जी उनका मसला ये है कि उनकी शादी हो चुकी हुई है हाँ। आए हाय लड़की दिल्ली वालों की बहू बनने से रह गई वैसे एक बात कहूँ डेटिंग का कोई आसान तरीका कोई डाइट चार्ट हो तो मुझे दीजिए जरा और ये जो भरे भरे होटों का फैशन आ गया है वो भी बताइए तरीका के बैठे बैठे ऐसे कैसे हो जाओ <laughs> ये तो ये तो पूछे, मैं तो पैदा होते से शुरू से ही ऐसे हैं लेकिन ये बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेज हैं इधर ही आई शो पे, अब उनसे पूछ लीजिएगा उनके पास काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं और अक्सर बदल भी जाते हैं कभी इस साइड से ज़्यादा बड़ा वो होता है

ब्लेडी रेड कलर की लिपस्टिक लगा ली क्या रंग की भाई जिसको सुर्ख कलर कहते हैं खून का जो रंग होता है बैडी रेड कलर अच्छा. लिपस्टिक लगा ली बस कयामत लग रही थी मैं ये मुझे तो एक जमाने में साबुन वालों ने भी बड़ी ऑफर की थी अच्छा हमारे घर का माहौल बड़ा सख्त था फिर भी हमने बंदोबस्त किया के निकल के कर ही ले ए वो तो जब मुझे पता चला के शूटिंग तैराकी का लिबास पहन के होगी तो वालिद साहब की बंदूक याद आ गई ना भैया हमने मना कर दिया वरना आज हम भी मोटे करके कहते मेरे हसीन चेहरे का राज हो ना सका ठीक ही हुआ अब बताऊं फॉरन में तो मेरी उम्र की औरतें कंप्यूटर पे बैठ के नए नए बाय फ्रेंड बनावे और हमने तो अपना कबाड़ा ही कर लिया मैं आपको ना आइए छोड़ आता हूँ वॉशरूम मैं आपको रास्ता बताया तू इतना इनसिक्योर क्यों हो जावे मुझसे इनसिक्योर नहीं हो रहा आपको, आपको जाना है ना तो मैं आपको ढूंढ लिए निशानी मैंने वॉशरूम की अच्छा हम्म देखो भाई तुम्हें भी जाना हो तो गौर से सुनना भरे पेट पचास कदम और खाली पेट सौ कदम चल के जाएंगे तो महविश हयात का बड़ा सा पोस्टर लगा है बस उसी के सामने ही है वाशरूम हाँ मत खत्म तुम्हारी हूं अच्छा कोई अच्छा डेटिंग का नुस्खा हो तो दीजिएगा बड़ी प्यारी हैं आप तुम तो सामने से मेली के आपसे <laughs> तो तो। आप जाना चाहेंगी नहीं। उसे कुछ नहीं पहला मुझे आज तक ऐसे नहीं हुआ कि मैंने किसी हीरोइन को फोन किया और उसकी बात हुई हो स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई हाँ पसंद आया वेलकम बैक

अब एवाईटी ने क्या कहा है अगर तो तुम्हारा इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू शुड गो बिकॉज़ इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी और प्लस यू आर सच अ बिग सुपरस्टार तो सारी है उनको भी फायदा होगा और अगर इफ यू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स देन यू मस्ट चलो जी हर एक से जी आपके हर दोस्त ने कहा है कि आपको पॉलिटिक्स में होना चाहिए जी बिल्कुल लेकिन मैं नहीं होना चाहती मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं वैसे असल में तो नहीं मगर वैसे आप वैसे जाना चाहेंगे पॉलिटिक्स तो फिर आप क्यों कह नहीं पूछा नहीं आप इंक्वायरी करना तो पूछे क्यों हाँ, <laughs> नहीं, नहीं। आपने मुझसे पहले पूछा नहीं है आप क्या, क्या पूछना चाहती हैं उन्हें तो सबने कह दिया definitely. मगर वैसे उनसे क्यों ऐसा लगता है कि आपको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए बिकॉज़ दे बिलीव व्हाटएवर आई डू आई विल बी द बेस्ट एट इट ओए होए होए नो आई डू टेक इंटरेस्ट इन एवरीथिंग सो आई लाइक टू नो बट आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट

What were you doing there? So, बात तो ये होगी ना कि आप तभी नहीं ना, मिलेगा आपको रही थी, आपके पास गया कि भाई आप ये फिल्म करना चाहिए ना मैंने शादी भी कहा की

my views on uh, the yeah Indo Park yeah. thing because then it's going to go into a very serious hmm. uh, talk show <laughs> 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 this is a fun interview which is why i kept it to the film hmm. <laughs> especially over there you imtiaz ali film who's one of the best directors that india has and more than that he's a very good writer I mean, नहीं, उनकी नहीं, मुझे का की भी की कॉल आई थी तो, तो, नहीं उसको तो मैंने और ही जवाब दिया तो वो हैरान हो गए क्या जवाब दिया उसकी फिल्म्स बहुत बोल्ड होती हैं तो मैंने पहले जवाब दिया मैंने कहा मैं ये नहीं करूंगी कहा स्क्रिप्ट पूछाने कुछ नहीं पहला मुझे आज तक ऐसे नहीं हुआ कि मैंने किसी हीरोइन को फोन किया हो और उसकी बात ना से शुरू हुई हो योर बिफोर सेइंग यस योर एवरी आंसर आंसर ऑफ यूर स्टार्ट विद नो बट मैं ये नहीं करूंगी बट मैंने कहा हाँ बेहतर क्लियर हो जाए ना बिकॉज

एम ओ यू साइन हुआ हुआ था या जो भी क्या होता है इसी तरह का पेपर होता NDA. है uh, कुछ हा, हाँ समथिंग अंडरस्टैंडिंग तो वो uh, उनके साथ जिन्होंने पुरानी अनारकली फिल्म बनाई थी नहीं मुजफ्फर अली मुझाफर अली हाँ मुजफ्फर अली ने और उन्होंने मुझे कहा था कि कोई और पीरियड फिल्म नहीं करनी है जैसे पीरियड कुछ भी हो

Uh, बाकी दुनिया से नहीं कर सकते मुझे लगता है जितना ज़्यादा नज़र आते हैं आपकी थोड़ी

हाँ लग रहा है <laughs> नहीं तो वही मैं उनको बता रही हूँ कि नहीं की ना कि मैं पूछ रही थी फिर मैंने कहा नहीं नहीं मैंने दसी हाँ। मजा नहीं आएगा फिर नहीं वो जो हम बताते हैं वो वाला तो हम शो करते भी नहीं है वो हम लेकिन अगर लोग कुछ कर भी बता भी देते हैं मैं बहुत पक्की हूँ मैंने नहीं पूछना होता मैंने जानना नहीं होता इट्स नॉट फन आई कैन ओनली डू थिंग्स आर फन

वो ना सुने प्लीज आप ना सुने <laughs> <laughs> मैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ बस बस बहुत हो गया शो ये इसके बाद मै, हाँ मैं ये कुछ ही कर रहा थैंक यू सो मच और बॉयज कुछ सुना दो भाई आप भैया आगे मैं शो नहीं कर सकता तो तो